कानन कौशल, इन्हें कौन नहीं जानता। जय संतोषी माता फिल्म जितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई, उतना उनका करियर आसमान छू नहीं पाया। इसके पीछे एक ऐसी वजह थी जिसे जानकर आप उनकी और भी ज्यादा इज्जत करोगे। दरअसल उन्होंने एक धार्मिक फिल्म में काम किया था, और ऐसा कहा जाता है कि कोई कलाकार किसी किरदार पर काम करता है तब उसे वो किरदार जीना पड़ता है। उस दौर में कलाकार अपनी इमेज को लेकर बड़े संवेदनशील होते थे। आज ऐसा होता है कि कोई कलाकार सांस्कृतिक किरदार निभा लेते हैं और अगले दिन किसी पार्टी में दारू के नशे में उल्टी सीधी हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं। स्टार प्लस पर महादेव सीरियल बड़ा हिट हुआ था। इस सीरियल में पार्वती का किरदार निभाने वाली कलाकार को दारू के नशे में देखा गया था। जब बात आस्था की आए तो थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए। वो मर्यादा कानन कौशल ने रखी थी। उन्होंने ऐसी कोई फिल्में साइन नहीं की जिससे उनकी संतोषी माता फिल्म की इमेज खराब होती, और ये काम सिर्फ एक महान कलाकार कर सकता है। शायद ही किसी को पता होगा कि कानन कौशल ना सिर्फ अभिनेत्री हैं बल्कि वे लेखिका भी हैं। मराठी साहित्य जगत में उन्होंने बड़ा योगदान दिया है। आपको ये भी बता दूं कि कानन कौशल ब्यूटी टेक्नीशियन भी हैं। इसके अलावा कानन कौशल की फिल्मों में एक बात समान होती थी, उनकी ज्यादातर फिल्मों में या तो उनका पति मर जाता है या फिर बेटा। 1990 के आखिरी दौर में उनकी जितनी भी फिल्में आईं उसमें उन्हें अभागी महिला के रूप में दिखाया गया था। सनम आपके खातिर, जीवनदाता, जिगरवाला, लाल परी 1990 से 1992 के दशक में रिलीज हुई उनकी आखिरी फिल्में थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। कानन कौशल का असली नाम है इंदुमती शेट्टी। उनकी शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी, इस कारण से उन्हें इंदुमती पैगंडकर इस नाम से लोग जानते हैं। इसी नाम का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी दो किताबें रूप साधना और वधू का साज श्रृंगार लिखी है। इस कार्य के लिए उन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा अवार्ड्स भी मिले थे। सबसे पहले ये बता दूं कि उन्हें कानन कौशल क्यों कहा जाता है। दरअसल महान फिल्मकार और लेखक कमाल अमरोही ने उन्हें ये नाम दिया था। शायद उनकी उर्दू जुबान पर पैगंडकर नाम फिसल जाता होगा, इस वजह से उन्होंने नया नाम रखा होगा। कानन कौशल का जन्म 21 मार्च 1939 में एक मराठी परिवार में बड़ौदा में हुआ था। उन्हें मराठी के साथ गुजराती भी आती थी। फिल्मी करियर शुरू होने से पहले उन्होंने गुजराती के साथ मराठी रंगमंच पर भी काम कर लिया था। बहुत कम लोग जानते होंगे, कानन कौशल कुछ मात्र अभिनेत्रियों में से एक थी जो पढ़ाई लिखाई के मामले में सबसे आगे थी। फिल्म इतिहासकारों का मानना है कि मेरिट लिस्ट में उन्होंने पहला नंबर हासिल किया था। आगे चलकर उन्होंने इतिहास और इकोनॉमिक्स विषय में एमए भी किया। पढ़ाई में सबसे तेज होते हुए भी उन्होंने अभिनय करना जारी रखा। रंगमंच की दुनिया में भी उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, इस वजह से उन्हें बड़े सितारों के साथ काम करने का मौका मिला। उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने संजीव कुमार और लीना चिटनिस जैसे मेथड एक्टर्स के साथ दो जहां के बीच इस नाटक में काम किया। इस नाटक के बाद बाकी फिल्मकारों ने उनसे संपर्क किया और इस तरह से उन्हें फिल्में मिलने लगी। 1970 के पहले उन्हें दो फिल्मों में काम करने का मौका मिला, वो फिल्में थी पहर और आशा के दीप। दुर्भाग्य से वो दोनों फिल्में बीच में ही बंद हो गई, पर इस बात का उन्हें कोई नुकसान हुआ नहीं क्योंकि जल्द ही कमाल अमरोही ने उन्हें अपनी आगामी फिल्म आखिरी दिन पहली रात में साइन किया। पर इस बार भी कानन कौशल के नसीब ने साथ नहीं दिया और वो फिल्म भी बीच में ही रुक गई। फिल्म तो रुक गई पर कमाल अमरोही द्वारा दिया गया नाम को उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके बाद उनकी कुछ फिल्में रिलीज हुई, सती सुलोचना, धरती न छोड़ू, परदेसी, मेला, ये गुलिस्तान हमारा, रूट रंगीली आई, बिदाई, हनुमान विजय, इन फिल्मों में उन्होंने छोटे बड़े किरदार निभाए। जय संतोषी माँ फिल्म को छोड़ दिया जाए तो मान अपमान उनके जीवन की सबसे सफल हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म में भी संजीव कुमार थे। कानन कौशल कुछ कलाकारों में से एक हैं जो साहित्य जगत से जुड़ी हुई थी, इस कारण वो अश्लीलता वाले किरदार में दिखी नहीं। उन्होंने अपने जीवन में बतौर लीड एक्ट्रेस ज्यादा काम किया नहीं, पर जय संतोषी माँ फिल्म के कारण कानन कौशल अमर हो चुकी है। उनकी दमदार एक्टिंग आंखों में आंसू लाती है।
धार्मिक फिल्मों के बाद उन्होंने चरित्र किरदार करने शुरू किए और 1952 की सनम आप की खातिर उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। उसके बाद उन्होंने फिल्म जगत से संन्यास लिया और मुंबई में चैन भरी जिंदगी गुजार रही हैं। हिंदी के अलावा उन्होंने ढेर सारी मराठी फिल्मों में भी एक्टिंग की है, यहाँ तक गुजराती और भोजपुरी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया था। मराठी सिनेमा की क्लासिक फिल्म एकटी और मुंबई सा जावई में भी कानन कौशल दिख चुकी हैं। घूंघट और गुण सुंदरी नो घर संसार, इन दो गुजराती फिल्म के लिए गुजरात सरकार से उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है और 1973 की पाहुणी इस मराठी फिल्म के लिए भी महाराष्ट्र सरकार से उन्हें अवार्ड मिला। एक्टिंग और लेखन कार्य के अलावा उन्हें सौंदर्य कला में ज्यादा दिलचस्पी है। उनकी किताबें इन्हीं विषयों पर आधारित हैं। चेहरे की खूबसूरती के साथ मन का खूबसूरत होना भी जरूरी है, ये कानन कौशल अच्छी तरह से जानती हैं। उनके पति का नाम शशिकांत पैगंडकर है। 1964 में ही उनकी शादी हो चुकी थी। शादी होने के बाद उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ था। इस शादी से उन्हें एक बेटा पराग और एक बेटी मिलन हुई। फिल्म जगत में 40 साल गुजारने के बाद कानन कौशल ने एक्टिंग से संन्यास लिया और मुंबई में चैन भरी जिंदगी गुजार रही हैं। हमारे फिल्म जगत में कानन कौशल जैसी अभिनेत्रियां ना के बराबर हैं। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।